दोस्तों, मैं हूँ हैदर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बर्ड जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हाल ही में भी जो एक कंजर्वेटरी है जो कि नेचर का और बर्ड्स का कंजर्वेशन करती है, ठीक है, उसने इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट, ठीक है, रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न, एक लीस्ट लीस्ट कंसर्न बर्ड के रूप में इसको घोषित किया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो बर्ड है ये वर्ल्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रेप्टर्स है। अब देखिए, यहाँ पर रेप्टर्स का मतलब क्या होता है? रेप्टर्स का मतलब होता है कि जो बर्ड दूसरे बर्ड्स को या फिर छोटे एनिमल्स को, लाइक रेट हो गया या स्क्विरल्स हो गए, ठीक है, उनको अपना प्रे बनाता है, शिकार बनाता है, उसको हम बोलते हैं रेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो फेलकन बर्ड है, ये दूसरे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता है। बेसिकली ये इंडिया का बर्ड नहीं है, ये साइबेरिया, साउथ ईस्टर्न साइबेरिया से माइग्रेट करके इंडिया में आता है, और विंटर के सीजन के अंदर ये इंडिया के अंदर माइग्रेट करके आता है, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ में क्या इशू है, ये अभी करंट सिचुएशन है उसमें इसका जो स्टेटस है वो अभी लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, द रेप्टर्स ब्रीड इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्थर्न चाइना। देखिए, यहाँ पर दो दो एरियाज के नाम यहाँ पर मेंशन है, एक तो साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्दर्न चाइना, इन दोनों के जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन है। और ये याद रखना है आपको कि ये जो बर्ड है अमर फेलकन, ये इंडिया का नेटिव नहीं है, ठीक है, और ये माइग्रेट करके आता है इंडिया, इन दोनों जगहों से, साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्थर्न चाइना के अंदर। और कब आता है? ये विंटर्स के अंदर आता है, ठीक है, और हजारों मीलों की यात्रा करके, ट्रेवल करके ये इंडिया में आता है, और इंडियन ओशन के ऊपर से होते हुए ये सदर्न अफ्रीका जो है, ठीक है, वो वहाँ पर ये अपना एक एक हैबिटेट बनाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये मंगोलिया और साइबेरिया वापस रिटर्न होता है, ठीक है, जब इसका माइग्रेटरी सीजन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जब जैसे वापस वहाँ पर विंटर्स होती हैं और यहाँ पर जब गर्मी स्टार्ट होती है, तो ये दोबारा से ये माइग्रेट करके वहाँ पर रिटर्न होता है। और तकरीबन आप ये देखिए, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि 22,000 किलोमीटर माइग्रेटरी रूट है इस बर्ड का, ठीक है, 22,000 किलोमीटर माइग्रेटरी रूट है, और काफ़ी लंबा रूट होता है ये किसी एक बर्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ लॉन्गेस्ट अमंग ऑल एवियन स्पीसीज। एवियन स्पीसीज का मतलब जितनी भी उड़ने वाली स्पीसीज है उनमें सबसे लंबा जो रूट है वो एक इसका 22,000 किलोमीटर का माइग्रेटरी रूट है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, अमर फेलकन दे गेट देयर नेम फ्रॉम अमर रिवर। देखिए, ध्यान रखिए कि इसका जो नाम है वो एक रिवर है, अमर रिवर, ठीक है, वो रशिया और चाइना के बीच के अंदर बॉर्डर क्रिएट करती है, वहाँ से इसका नाम लिया गया है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसका नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है। अब देखिए आगे, एकदम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड, जहाँ पर डोइंग लेक है, ठीक है, वहाँ पर ये अमर फेलकन बर्ड जो है वो स्टॉप करता है कुछ टाइम के लिए रुकता है। जब ये हर साल माइग्रेट करते हैं तो इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है कुछ टाइम के लिए वो नागालैंड भी रहता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, उसको मैप के अंदर आप डिनोट कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमर फेलकन जो है वो जब एनुअल माइग्रेशन करता है तो वो कौन से प्लेस पर, कौन से स्टेट के अंदर जो है वो स्टॉप ओवर करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये नागालैंड आपको आंसर चूज करना है, और फेलकन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विच इज द फेलकन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो आंसर इज नागालैंड, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए, सॉरी दोस्तों, द बर्ड्स आर द लीस्ट कंसर्न अंडर द
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इस बर्ड को लीस्ट कंसर्न, ठीक है, लीस्ट कंसर्न इसको बताया गया है। और बट द स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और जो इस स्पीसी ये स्पीसी है इसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसमें इसको प्रोटेक्टेड एनिमल बताया गया है, प्रोटेक्टेड बर्ड बताया गया है। एंड द कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी, विच मीन्स इट इज मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट द बर्ड। तो इंडिया इंडिया ने इस उस कन्वेंशन पर अपने सिग्नेचर किए हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है इंडिया के लिए कि इस बर्ड की स्पीसी को प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। और ये किस एक्ट के अंदर है? अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था और मैं इसी तरीके से आपके लिए करंट से रिलेटेड टॉपिक्स में डेली अपडेट देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।